जैसा कि उदाहरण में कहा गया है, जब शरीर के महाभूत बिखर जाते हैं तब परिनिर्वाण होता है, सभी संज्ञाएं रुक जाती है, सभी वेदनाओं का नाश हो जाता है, सभी प्रकार की प्रक्रिया बंद हो जाती है और चेतना जाती रहती है। इस प्रकार परिनिर्वाण का अर्थ है पूरी तरह बुझ जाना। निर्वाण का कभी भी यह अर्थ नहीं हो सकता। निर्वाण का अर्थ है अपनी भावनाओं पर पर्याप्त संयम रखना, जिससे आदमी धर्म के मार्ग पर चलने के योग्य बन सके। इसका इससे अतिरिक्त और कोई दूसरा आशय नहीं है। रात को समझाते हुए स्वयं भगवान बुद्ध ने यह स्पष्ट किया था कि सदाचारपूर्ण जीवन का ही दूसरा नाम निर्वाण है। एक बार रात थेर भगवान बुद्ध के पास आए, भगवान बुद्ध को अभिवादन कर एक और बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए रात थेर ने भगवान बुद्ध से कहा, भंदे, निर्वाण किस लिए है? तथागत ने उत्तर दिया, निर्वाण का अर्थ है वासनाओं से मुक्ति। लेकिन भंदे, निर्वाण का उद्देश्य क्या है? राज, निर्वाण प्राप्ति से सदाचार पूर्ण जीवन जिया जाता है। जीवन का लक्ष्य निर्वाण ही है, निर्वाण ही ध्येय है। निर्वाण का अर्थ बुझ जाना नहीं है। यह बात सारिपुत्र ने भी अपने इस उपदेश में स्पष्ट की है। एक बार भगवान बुद्ध सावत्थी में अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे, जहाँ सारिपुत्र भी ठहरे हुए थे। भगवान बुद्ध ने भिक्खुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्खुओं, धर्म के भागीदार बनो, भौतिक वस्तुओं के नहीं। तुम सभी के प्रति अनुकंपा रखते हुए मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा और तब वह उठकर गंध कुटी में चले गए, सारिपुत्र पीछे रह गए। तब भिक्खुओं ने सारिपुत्र से प्रार्थना की कि वह बताएं कि निर्वाण क्या है। तब सारिपुत्र ने भिक्खुओं को समझाते हुए कहा, भिक्खुओं, लोभ बुरी चीज है, देश द्वेष बुरा है। इस लोभ और इस द्वेष से मुक्ति पाने का साधन मध्यम मार्ग ही है, जो आँख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति, अंतर्दृष्टि, अभिज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाता है। यह मध्यम मार्ग क्या है? यह मध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम अर्थात प्रयत्न, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। भिक्खो, यही मध्य मार्ग है। हाँ भिक्खो, क्रोध बुरी चीज है, द्वेष बुरी चीज है और ईर्ष्या बुरी चीज है, मात्सर्य बुरी चीज है, कंजूसीपन बुरी चीज है, लालच बुरी चीज है, ढोंग बुरी चीज है, ठगी बुरी चीज है, उद्दंडता बुरी चीज है, मोह बुरी चीज है तथा प्रमाद बुरी चीज है। मोह तथा प्रमाद के नाश के लिए मध्य मार्ग है, जो आँख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति, अभिज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाता है। निर्वाण आर्य अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस प्रकार सारिपुत्र ने कहा। प्रसन्नचित भिक्खुगण सारिपुत्र का प्रवचन सुन प्रमोदित हुए। निर्वाण के मूल में जो विचार है वह यही है कि सदाचरण का पथ है। किसी को भी निर्वाण का कुछ और अर्थ नहीं लगाना चाहिए। संपूर्ण उच्छेदवाद एक अंत है और परिनिर्वाण दूसरा अंत है। परिनिर्वाण मध्यम मार्ग है, निर्वाण मध्यम मार्ग है। यदि निर्वाण को इस प्रकार ठीक तरह से समझ लिया जाए तो निर्वाण के संबंध में सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। तृष्णा का त्याग धम है। धम्मपद में भगवान बुद्ध ने कहा है, आरोग्य से बढ़कर लाभ नहीं, संतोष से बढ़कर धन नहीं। यह संतोष का अर्थ बेचारगी अथवा यहाँ संतोष का अर्थ बेचारगी अथवा परिस्थिति के सामने झुक जाना नहीं समझा जाना चाहिए। ऐसा समझ बैठना भगवान बुद्ध की दूसरी शिक्षाओं के सर्वथा प्रतिकूल होगा। भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा कि धन्य हैं वे जो गरीब हैं। भगवान बुद्ध ने यह कभी नहीं कहा कि जो पीड़ित हैं उन्हें अपनी परिस्थिति बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी तो दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि ऐश्वर्य का स्वागत है और उपेक्षावान होकर कष्ट सहते रहने के स्थान पर वीर्य उत्साहपूर्वक परिस्थिति को बदलने का प्रयास करने का उन्हें उपदेश
उन्होंने उपदेश दिया है। जब भगवान बुद्ध ने यह कहा कि संतोष सबसे बड़ा धन है, तो उनके कहने का अभिप्राय यही था कि आदमी को लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिए, जिसकी कोई सीमा नहीं। जैसा कि भिक्खु रठपाल ने कहा है, मैं धनियों को देखता हूँ जो मूर्खतावश अधिक से अधिक संग्रह ही करते रहते हैं, कभी भी किसी को कुछ नहीं देते। नए नए ऐश्वर्य के लिए उनकी तृष्णा रूपी प्यास बुझती रहती है, प्यास बढ़ती रहती है। राजाओं को देखता हूँ कि जिनका राज्य समुद्र तक पहुँच गया है, किंतु अब समुद्र पार साम्राज्य स्थापित करने के लिए दुखी हैं। तृष्णा में पड़े हुए राजा और प्रजा दोनों ही मर जाते हैं। अभाव तथा अधिक अभाव में वे अपना शरीर ही त्याग देते हैं। इस पृथ्वी पर उनकी काम भोग की इच्छा की कभी तृप्ति ही नहीं हो पाती है। महानिदान सूत्र में भगवान बुद्ध ने आनंद को समझाते हुए लोभ को अपने वश में रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। तथागत का वचन है, इस प्रकार आनंद लाभ की इच्छा करने से तृष्णा पैदा होती है। जब लाभ की इच्छा स्वामित्व की इच्छा में बदल जाती है, तब स्वामित्व की इच्छा स्वामित्व का दुराग्रह बन जाती है, तो यह धन लोलुपता का रूप ले लेती है। असंयत कामना के कारण होने वाली धन लोलुपता अथवा स्वामित्व की इच्छा पर नजर रखना आवश्यक है। इस तृष्णा या लोभ की निंदा क्यों आवश्यक है? भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, क्योंकि इसी से बहुत सी बुराइयां पैदा होती है। इसके कारण मुक्का मुक्की तक हो जाती है, आघात रहते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, परस्पर विरोध भी होते हैं, कलह भी होते हैं, परस्पर निंदा तथा झूठ बोलना तक भी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वर्ग संघर्ष का यही सही विश्लेषण है। इसलिए भगवान बुद्ध ने तृष्णा और लाभ को वश में रखने पर बल दिया है। यह मानना कि सभी मिश्रित या कहें संयुक्त पदार्थ अनित्य है, धम है। अनित्य है अर्थात वह नित्य नहीं है या कहें स्थायी नहीं है। पढ़ते हैं इसे, अनित्यता इस सिद्धांत के तीन पहलू हैं। अनेक तत्वों के मेल से बने हुए पदार्थ अनित्य है। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक प्राणी अनित्य है। प्रत्यय समुत्पन्न वस्तुओं का स्वसत्व अनित्य है। अनेक तत्वों के मेल से बने पदार्थों की अनित्यता की बात महान बौद्ध दार्शनिक असंग ने अच्छी तरह समझाई है। असंग कहते हैं, सभी पदार्थ हेतु तथा प्रयासों से उत्पन्न हैं और उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब हेतु प्रत्ययों का उच्छेद हो जाता है, तो पदार्थ विनाश को प्राप्त होते हैं। प्राणी का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु नाम के चार महाभूतों से बना है, और जब इन चार महाभूतों का पृथक्करण हो जाता है, तो प्राणी नहीं रहता। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीज़ें अनित्य होने का यही अभिप्राय है। जीवित प्राणी की अनित्यता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यही है कि वह है नहीं, वह हो रहा है। इस अर्थ में भूतकाल का प्राणी अपना जीवन व्यतीत कर चुका, ना वह वर्तमान में रह रहा है और ना भविष्य में रहेगा। भविष्यत काल का प्राणी रहेगा, लेकिन ना रहा है और ना रहता है। वर्तमान काल का प्राणी रहता है, लेकिन ना रहा है और ना रहेगा। संक्षेप यही है कि मानव निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर संवर्धनशील है। वह अपने जीवन के दो भिन्न क्षणों में भी वही नहीं है। इस अनित्यता सिद्धांत का तीसरा पहलू एक सामान्य आदमी के लिए थोड़ा दुर्बोध है। यह समझना बहुत आसान है कि प्रत्येक आदमी किसी न किसी समय अवश्य मर जाएगा, किंतु यह समझ सकना उतना ही सरल नहीं है कि किस प्रकार एक आदमी जीवित रहते हुए परिवर्तित होता रहता है, यह कैसे संभव है। भगवान बुद्ध का उत्तर था, यह इसलिए संभव है क्योंकि सब कुछ अनित्य है। आगे चलकर अनित्यता का यह सिद्धांत शून्यवाद कहा जाने लगा। बौद्ध शून्यता का अर्थ पूर्ण निषेध नहीं है, इसका अर्थ इतना ही है कि संसार में स्वाभाविक तौर से प्रतिक्षण सतत परिवर्तन हो रहा है। बहुत कम लोग ही
इस बात को समझ पाते हैं कि शून्यता के ही कारण सभी कुछ संभव है। इसके बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं होता। सभी पदार्थों की स्वाभाविकता अनित्यता पर ही अन्य पदार्थों का होना निर्भर करता है। यदि पदार्थों में सतत परिवर्तन न हो और वे स्थायी और अपरिवर्तनशील हों, तब एक रूप से दूसरे रूप में जीवन का सारा विकास और जीवित प्राणियों का परिवर्धन बिल्कुल रुक जाएगा। यदि आदमी मर जाते या उनमें परिवर्तन आ जाता, किंतु वे उसी अवस्था में अपरिवर्तित स्थिति में रहते, तो उनका क्या परिणाम हो तो उसका क्या परिणाम होता? मानव जाति की प्रगति सर्वथा रुक जाती। यदि शून्य का अर्थ अभाव या खालीपन मान लिया जाए, तो कई कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी, किंतु ऐसा है नहीं। शून्य एक बिंदु के समान है जो एक पदार्थ है, किंतु उसकी ना तो कोई चौड़ाई है और ना ही लंबाई। भगवान बुद्ध का यह उपदेश था कि सभी पदार्थ अनित्य है। भगवान बुद्ध के इस सिद्धांत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यह अधिक महत्व का प्रश्न है। यह अनित्यता के सिद्धांत की शिक्षा बहुत सरल है। किसी भी पदार्थ के प्रति आसक्ति मत रखो। इसका अर्थ अनासक्ति को उत्पन्न करता है। संपत्ति के प्रति अनासक्ति, संबंधियों के, मित्रों के तथा परिचितों के प्रति अनासक्ति। भगवान बुद्ध ने कहा, सभी चीजें अनित्य है। कर्म को नैतिक व्यवस्था का उपकरण या कहें साधन मानना धर्म है। भौतिक संसार में एक प्रकार का नियम है। निम्नलिखित तथ्यों से यह सिद्ध हो जाता है। आकाश के नक्षत्रों के चलन एवं कार्य में एक प्रकार का नियम है। एक प्रकार के नियम के अनुसार ही ऋतुएं नियमित रूप से आती हैं और जाती हैं। एक प्रकार के नियम के अनुसार ही बीजों से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वृक्षों में फल लगते हैं और फलों से फिर बीज प्राप्त होते हैं। बौद्ध परिभाषा में यह नियम बीज नियम तथा ऋतु नियम कहलाते हैं। इसी प्रकार क्या समाज में भी कोई नैतिक क्रम है? यदि है तो वह कैसे उत्पन्न होता है? इसका संरक्षण कैसे होता है? जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं है। उनका उत्तर सरल है। उनका कहना है कि संसार का नैतिक क्रम दैवी विधान द्वारा संरक्षित है। ईश्वर ने संसार की रचना की है और ईश्वर ही संसार का श्रेष्ठ कर्ता धर्ता है। वही भौतिक तथा नैतिक नियमों का रचयिता भी है। उनका कहना है कि संसार का नैतिक नियम आदमी की भलाई के लिए है, क्योंकि वे ईश्वर की आज्ञा है। आदमी को अपने रचयिता ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही होगा और ईश्वर की आज्ञा के पालन से ही यह संसार चलता है। इसके पक्ष में यही तर्क दिया जाता है कि संसार का नैतिक क्रम ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। लेकिन यह व्याख्या किसी भी तरह संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि यदि नैतिक नियम ईश्वर से उत्पन्न हुए और यदि ईश्वर ही नैतिक नियमों का आरंभ और अंत है, और यदि आदमी ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से नहीं बच सकता, तो संसार में इतनी नैतिक अराजकता अथवा अनैतिकता क्यों है? इस ईश्वरीय नियम का क्या प्रमाण है? इस ईश्वरीय नियम का व्यक्ति पर कैसा अधिकार है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन जो लोग यह मानते हैं कि संसार का नैतिक क्रम ईश्वर की इच्छा पर आधारित है, उनके पास इन प्रश्नों में से किसी का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। इन कठिनाइयों पर पार पाने के लिए यह अवधारणा कुछ बदल दी गई है। यह कहा जाने लगा है कि निसंदेह ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि अस्तित्व में आई। यह भी सत्य है कि ईश्वर की इच्छा और निर्देशन के अनुसार ही ब्रह्मांड ने अपना जीवन आरंभ किया। यह भी सत्य है कि उसने ब्रह्मांड को एक ही बार में वह सब शक्ति प्रदान कर दी जो दैवी शक्ति के रूप में अति विशाल क्रिया विधि के मूल में कार्यरत है। लेकिन इसके बाद ईश्वर ने प्रकृति पर छोड़ दिया कि वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त मूल नियमों के अनुसार कार्य करती रहे, ताकि ईश्वर की आशंका के अनुसार यदि नैतिक नियम कार्य करने में विफल हो जाएं तो इसके लिए प्रकृति ही दोषी है, ईश्वर नहीं। लेकिन सिद्धांत में किए गए इस परिवर्तन से भी समस्या का समाधान नहीं होता। यह केवल ईश्वर को उसके उत्तरदायित्व से मुक्त करने में सहायक है। प्रश्न फिर भी वैसा ही रहता है कि ईश्वर को अपने नियमों का पालन प्रकृति पर क्यों छोड़ना चाहिए? इस प्रकार के अनुपस्थित ईश्वर का क्या प्रयोजन है? संसार का नैतिक क्रम कैसे संरक्षित है? इस प्रश्न का उत्तर जो बुद्ध ने दिया है वह सर्वथा भिन्न है। तथागत का उत्तर बहुत सरल है। यह कर्म का नियम है, ईश्वर नहीं, जो विश्व के नैतिक क्रम को बनाए रखता है। इस प्रश्न का भगवान बुद्ध ने यही उत्तर दिया है। विश्व का नैतिक क्रम अच्छा हो सकता है,
अथवा बुरा भी, लेकिन भगवान बुद्ध के अनुसार नैतिक नियम आदमी पर निर्भर करता है और किसी अन्य पर नहीं। कर्म का अर्थ है मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कर्म, और विपाक तो उसका परिणाम है। यदि नैतिक क्रम बुरा हो, यदि नैतिक क्रम कर्मिक क्रम यदि नैतिक क्रम बुरा हो तो इसका अर्थ है कि आदमी बुरा कर्म करता है। यदि नैतिक क्रम अच्छा है तो इसका अर्थ है कि आदमी अच्छा कर्म करता है। यहाँ पे अच्छा बुरा को बौद्ध शब्दों में कहेंगे कुशल और अकुशल। बुद्ध ने केवल कर्म की बात करके ही संतोष नहीं कर लिया, उन्होंने कर्म नियम की भी बात कही है, जो कर्म सिद्धांत का ही दूसरा नाम है। देखिए वहाँ पे मैं नैतिक क्रम बोला था, उस क्रम को क में जो र होता है पेट, क के पेट में र, वह अलग क्रम था, और कर्म जो माँ के ऊपर र होता है वो कर्म के, ये क माँ के ऊपर जो र होता है, कर्म के सिद्धांत की बात को बुद्ध का अभिप्राय था कि कर्म का फल उसी प्रकार उसका पीछा करता है जैसे दिन का पीछा रात करती है। यह एक नियम अथवा सिद्धांत की तरह है। कुशल कर्म पर लाभ प्राप्त करने में कोई विफल नहीं हो सकता, और अकुशल कर्म से होने वाली हानि से कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए भगवान बुद्ध की देशना थी, कुशल कर्म करो ताकि मानवता उस नैतिक क्रम के पेट में रह, क्रम मतलब सीरियल, क्रम से लाभान्वित हो सके, जो लाभ कुशल कर्म बनाए रखते हैं। कुशल कर्म मत करो, अकुशल कर्म मत करो, क्योंकि मानवता को उस अकुशल कर्म से पैदा होने वाले अनैतिक क्रम से हानि पहुंचेगी। यह हो सकता है कि किए गए कर्म और उससे होने वाले विपाक अर्थात फल के बीच कुछ अंतराल हो जाए, बहुधा ऐसा ही होता है। इस दृष्टि से कर्म के कई विभाग हैं, जैसे दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म, तुरंत फल देने वाला कर्म, उपपज्ज वेदनीय कर्म, कुछ समय बाद फल देने वाला कर्म, अपराप रिया वेदनीय कर्म, अनिश्चित समय पर फल देने वाला कर्म। कर्म कभी कभी अहोसी कर्म की श्रेणी में भी आ सकते हैं, अर्थात ऐसा कर्म जिसका कुछ विपाक ही ना हो। इस अहोसी कर्म के अंतर्गत वे सब कर्म आते हैं जो या तो इतने दुर्बल होते हैं कि वे प्रभावी नहीं होते, अर्थात उनका कोई विपाक नहीं होता, अथवा जो अन्य सबल कर्म द्वारा उस समय प्रभावहीन कर दिए जाते हैं जब उनका फल होने वाला होता है। इन सब बातों के लिए थोड़ी गुंजाइश भी मान ली जाए तो भी भगवान बुद्ध की इस देशना के दावे को ये कम नहीं करते हैं कि कर्म का नियम अटल है और लागू होकर ही रहता है। कर्म के सिद्धांत का अनिवार्य तौर पर यह अर्थ नहीं कि करने वाले को ही कर्म का फल भुगतना पड़ता है, और इससे अधिक इसके विषय में कुछ और नहीं सोचा जा सकता, ऐसा समझना गलत है। कभी कभी करने वाले की अपेक्षा दूसरे पर ही कर्म का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह सब कर्म का नियम ही है, क्योंकि यह या तो नैतिक क्रम को प्रोत्साहित करता है क के पेट में रख, अथवा उसे अस्त व्यस्त कर देता है। व्यक्ति आते रहते हैं, व्यक्ति जाते रहते हैं, लेकिन विषय का नैतिक क्रम बना रहता है, और उसके साथ वह कर्म नियम भी जो इसे बनाए रखता है। यही कारण है कि बुद्ध के धर्म में नैतिकता को वही स्थान प्राप्त है जो अन्य धर्मों में ईश्वर को है। अतः इस प्रश्न का कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है, बुद्ध ने जो उत्तर दिया वह अत्यंत सरल और अकाठ्य है। इतना होने पर भी इसका सही अर्थ पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं होता। प्रायः लगभग हमेशा ही या तो इसे गलत रूप में समझा जाता है, या इसे गलत तौर पर व्यक्त किया जाता है, अथवा इसकी गलत व्याख्या की जाती है। बहुत लोग इस बात को समझते प्रतीत नहीं होते कि बुद्ध द्वारा बताया गया कर्म नियम का सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर है कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है। लेकिन बुद्ध के कर्म के सिद्धांत का यही प्रयोजन है। कर्म नियम का संबंध केवल विश्व के नैतिक क्रम के प्रश्न से जुड़ा है। इसका व्यक्ति के भाग्यशील होने अथवा अभाग्यशील होने से कोई संबंध नहीं है। इसका सरोकार केवल विश्व के नैतिक क्रम के बने रहने से है। इसी कारण से कर्म नियम धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह भाग यहीं समाप्त होता है।
चौथा भाग, खंड तीन का चौथा भाग अगले भाग में 25वें में शुरू करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।